अगर कोई कहे कि मैंने चांद पर जमीन ली है तो क्या आप इस बात को मान लेंगे? अगर कोई ये कहे कि मैं मिशन मंगल के यान में बैठकर मंगल ग्रह होकर आया हूँ तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? भाई हम तो बिल्कुल नहीं मान सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ तब मानी जाती हैं जब हमें उससे जुड़ा कोई प्रूफ मिले। लेकिन हम अगर बात बिटकॉइन की करें तो इस करेंसी को लोग मानते हैं, पर इसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, फिर भी बिटकॉइन का चलन काफी हो गया है। शुरुआती दौर में जब बिटकॉइन आया था तब इसने काफी तहलका मचाया था, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिटकॉइन को किसी ने देखा तक नहीं उस पर इतना भरोसा क्यों? आखिर क्या है बिटकॉइन, और जब यह दिखाई नहीं देता तो इससे काम कैसे होता है? आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही हम आपको बिटकॉइन से जुड़े कुछ खास और रोचक तथ्य भी बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक में, जहां हम आपको मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा ही खास विषय, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं बिटकॉइन के कुछ फायदे। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि यह एक विशिष्ट देश की करेंसी नहीं है, यह ब्लॉकचेन तकनीक पर बनी एक करेंसी है, जिसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बिटकॉइन के साथ किए गए लेन देन सार्वजनिक रूप से ब्लॉकचेन पर स्टोर होता है, जिसका लेन देन दिखाई तो देता है लेकिन बस करेंसी ही दिखाई नहीं देती। बिटकॉइन को 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम से पेश किया गया था। बिटकॉइन बनाने का खास मकसद नकदी का एक डिजिटल संस्करण बनाना था। इसका मोटो था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे देने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अन्य ब्रोकर को भुगतान ना करना पड़े और आराम से लेन देन हो पाए। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसका भी कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का भी कोई मालिक नहीं है। अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि पूरी तरह से मुक्त रूप में कार्य करती है। इसके ऊपर किसी भी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। यह करेंसी पूरी तरह से वर्चुअल होती है, जिसको आप कैश का ऑनलाइन वर्जन भी समझ सकते हैं। चूंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कैश होती है, इसलिए इसके सभी ट्रांजैक्शन को पूर्ण होने के लिए पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ खरीदारी को कंफर्म यूजर्स के द्वारा किया जाता है। आजकल इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं, उन्हीं में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर इसके कुछ फायदों को जाने तो बिटकॉइन से कई ऐसे फायदे हैं जिसको जानकर हमें यकीन है कि आप भी इसका प्रयोग जरूर करेंगे। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ सीधा संपर्क करते हैं बिना किसी बैंक,
क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी को बीच में लाए बिना आप आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे बाकी करेंसी का इस्तेमाल करके हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसमें बैंक्स के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, उसके बाद ही आप पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शंस का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि हमने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होते रहते हैं, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहा जाता है। वहां पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्टोर होते रहते हैं, और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। वर्तमान समय में एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 30 लाख है। इसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। अगर आपके मन में अब यह सवाल आ रहा है कि हम इसको खरीदें कैसे, तो हम आपको इस बारे में भी कुछ खास जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आप जिस ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट से बिटकॉइन परचेज करने जा रहे हैं, वह साइट ट्रस्टवर्दी यानी कि भरोसेमंद होनी चाहिए। आप बिटकॉइन खरीदने जिस भी वेबसाइट पर जाएं, तो सबसे पहले आपको उस साइट पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट समेत KYC अपडेट करवाना होगा, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएं, तो आपको उसमें कुछ पैसे ट्रांसफर करने होंगे, और इसके बाद आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो यह है बिटकॉइन परचेज करने की साधारण सी प्रक्रिया। चलिए अब जानते हैं कि बिटकॉइन से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। पहला, बिटकॉइन का आविष्कार 3 जनवरी 2009 को हुआ, जो कि सतोशी नाकामोटो द्वारा किया गया, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि सतोशी नाकामोटो कोई रियल इंसान है या कोई कंपनी है। दूसरा, बिटकॉइन पहली डिजिटल करेंसी है जिसने मार्केट में और करेंसीज के मुकाबले सबसे ज्यादा उपलब्धि हासिल की। तीसरा, इसकी सबसे खास और रोचक बात यह है कि इसका कोई मालिक नहीं है, जिसके कारण इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। चौथा, इसे लेन देन करते समय आपके नाम या आपके पहचान का किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ सिर्फ आपका बिटकॉइन की एड्रेस यूज होता है। पांचवा, बिटकॉइन का कुल अमाउंट पहले से ही तय किया गया है, यह मार्केट में सिर्फ 21 मिलियन ही आएगा, इससे अधिक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसमें वर्तमान में लगभग 13 मिलियन बिटकॉइन बाजार में आ चुके हैं। तो यह है बिटकॉइन से जुड़े कुछ खास तथ्य और बिटकॉइन के बारे में कुछ खास जानकारी। हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके अपनों को भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।